संजय दत्त ने रिजेक्ट की कौन सी फिल्म? क्या संजू के पास नहीं है सलमान के लिए वक्त? सोर्सेस की माने तो सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत में संजय दत्त को ऑफर किया गया था एक स्पेशल अपीयरेंस, जिसके लिए संजय ने कर दिया है इनकार। और रिपोर्टेडली इसकी वजह है संजय की वाइफ मान्यता दत्त। दरअसल कहा जा रहा है कि मान्यता नहीं चाहती कि संजय फिलहाल किसी भी फिल्म में करें कैमियो। जहां संजय लास्ट ईयर फिल्म भूमि में नजर आए थे, वहीं इस साल रिलीज हुई संजय दत्त की बायोपिक के बाद संजय की फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ गई है। दूसरी तरफ संजय हाल ही में साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 में भी नजर आए थे। इसके अलावा संजय तोरबाज अपनी होम प्रोडक्शन प्रस्थानम के साथ ही करण जौहर की कलंक में भी प्ले कर रहे हैं इम्पोर्टेंट रोल्स। अपेरेंटली मान्यता का मानना है कि फिलहाल संजय को सिर्फ लीड रोल्स पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे देन ही माइट रिड्यूस हिज वैल्यू एज अ लीडिंग मैन। वहीं जब इन रिपोर्ट्स पर संजय की पीआर टीम से बात की गई, तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। वैसे हाल ही में ऐसे रिपोर्ट्स भी आए थे कि संजय को कॉमेडी फ्रेंचाइज धमाल की थर्ड इंस्टॉलमेंट टोटल धमाल में भी एक कैमियो ऑफर किया गया था, पर संजय ने इसके लिए कर दिया था मना। पनिकिता वधावन, जूम, मुंबई।